हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिटेक। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये क्वेश्चन किए थे कि जो फोटो की बैकग्राउंड है वो आप कैसे चेंज करके अपने थंबनेल पे लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे इस टॉपिक में बारे में बात करना चाहता हूँ। थंबनेल के बारे में बाद में बात करेंगे कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, लेकिन आज बात कर लेंगे कि जो फोटो मैं लगाता हूँ, अपनी फोटो जो लगाता हूँ उनके जो बैकग्राउंड है वो कैसे इरेज करते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है बैकग्राउंड इरेजर। ये 2 या 3 MB की एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे अपने लिंक मैंने दे दिए हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, लोड है फोटो। आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट करना पड़ता है जिस फोटो की बैकग्राउंड आप इरेज करना चाहते हैं। तो लोड फोटो पर क्लिक कर लीजिए, आपके पूरी गैलरी आ जाएगी। मैं चूज कर लेता हूँ, मैंने ये फोटो चूज किया है। ये मेरा ग्रीन स्क्रीन वाला फोटो था कि मैं मेरे दूसरे जो चैनल है, मैं जो यहाँ पे जो टेक्निकल टिप्स वो यूट्यूब के बारे में देता हूँ। मैं आपको तो पता है मैं ये चैनल पे नया है ये चैनल मेरा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है मैं दूसरे चैनल से मिले हुए एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि मैंने जिस दौर से गुजरा हूँ, मैं जो जिस देर पे गुजरा हूँ वो आप ना गुजरे, आपके लिए वो सही सुविधा में आप आगे बढ़ सके। तो इसलिए मैं ये चैनल, टेक्निकल चैनल खोला, मैंने सोचा कि आपकी मदद कर लूँ। तो आज देखते हैं कैसे करते हैं रिमूव। ये तो ग्रीन स्क्रीन है, ये इजीली रिमूव हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि अगर डिफ़िकल्ट होगा कोई तो भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे करना क्या है कि आपको इमेज की साइज चूज करना है। यहाँ पे जितना छोटा आप लेंगे उतना कम इरेज करना पड़ेगा। ये ग्रीन स्क्रीन है, मैं बड़ा भी लूँगा तो भी इजीली ये इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे डन। और यहाँ पे क्या है, मैनुअल अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको हाथ से यहाँ पे ड्रा करके इरेज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये दिख ली, देख लीजिए ये ऐसा होगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा ग्रीन स्क्रीन है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैजिक ले लूँगा। यहाँ पे ऑटो लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टच कर लेंगे तो ग्रीन स्क्रीन पूरा चला गया, ये चला गया, जो कि सिमिलर कलर की जो भी रहेगा वो चला जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं करूँगा मैजिक पे क्या करना है, तो मैजिक पे क्या है, जो सर्कल के अंदर के रेडियस के अंदर जो भी सेम कलर की इमेज रहेगी वो इरेज हो जाएगी। जैसे कि मैंने इजीली ये कर पा रहा हूँ, तो आप देखते जाइए ये हो गया, लगभग हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो इमेज है, जो शार्ट की इमेज है वो कट गया है। तो वहाँ पे क्या करना है, रिपेयर की ऑप्शन चूज करना है, वो धीरे से वहाँ पे अंदर से इसे ड्रा कर लेना है। आप चाहे तो ये जो टूल है इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये लीजिए, ये बड़ा छोटा कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे इरेज हुआ कि नहीं आप विडियो चेक कर लीजिए एक बार, तो बाद में कर देंगे उसे डन। तो उसके बाद जो आपकी एज है उसे स्मूथ करने कैसे है, वो स्मूथ कैसे करें, कितने करेंगे आप लीजिए। ये रेंज दिया गया है, ये 1, 2, 3, 4, 5 करके आप ये अपने खुद के आइडेंटिफाई करना है कि 2 लेते हैं तो कितना कितना क्या होता है, 3 लेते हैं तो कितना क्या होता है। मैंने यहाँ पे 4 लेके कर देता हूँ सेव। अगर आप यही पे चाहते हैं कि कोई बैकग्राउंड चेंज करे तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बिटेक। मिलते हैं मेरे अगली वीडियो पे।